रक्षाबंधन के दिन मामी मामा जी लोगों ने मनाया रक्षाबंधन और फिर वो शाम के समय में अपने घर चले गए। दूसरी फोटो में आपने दीदी को भी देखा होगा, तो दीदी को भी नेक्स्ट डे जाना था, इसीलिए दीदी ने कराई वंदे भारत, जो पहला एक्सपीरियंस हमारे घर से होने वाला है इस ट्रेन का। लेकिन समय से पहले पहुंचने की वजह से मैंने भी इसके खूब मजे लिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं वंदे भारत के कुछ नज़ारे। सामने है कैटरिंग सर्विस जहाँ पे आप भैया को देख रहे हैं, ये है फुल ड्रेस में तैयार। इस ट्रेन का जो फेयर था वो 800 रुपये दीदी ने पे किया, नॉर्मली 1000 रुपये लगता है अगर आपको विद मील लेना है तो। इसमें फुल ड्रेस की बहुत अच्छी सुविधा दी गई है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है और काफ़ी ज़्यादा आरामदायक भी। इसी के साथ ये जाली वाली थोड़ी सी जगह है जहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। नीचे आपको वाटर होल्डर मिलेगा। आप दीदी ने ली इसमें चाय, तो चाय थी इसकी काफी अच्छी जिसके साथ मिली थी ओट्स की कुकी। चाय पीते पीते दीदी ने खूब मजे लिए और ये क्लिप दीदी का शूट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पहुंच गई थी दीदी हरिद्वार में। अब खाया पिया था तो निकालना भी बनता है, तो आप देख सकते हो ट्रेन के वॉशरूम में आपने कभी हैंड ड्रायर नहीं देखा होगा, तो इसमें हैंड ड्रायर की सुविधा है, फ्लश की बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसको लोग यूज़ नहीं करते हैं और पूरे बाथरूम में बदबू आती रहती है। इसी के साथ यहाँ पर है बहुत ही अच्छा सोप डिस्पेंसर जिसमें सेंसर लगे हुए हैं, हाथ नीचे लगाओ और मिल जाएगा आपको हाथ में साबुन। अब हाथ में साबुन निकाल लिया था तो अब हाथ धोते हैं, उसके बाद आपको फिर मिलते हैं अंदर अपनी सीट पे। वंदे भारत भी अपने आप में एक क्रेज के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो हम लोगों तक पहुंचाई गई है। और आप देख सकते हो स्लाइडिंग डोर है इसमें जिसको स्लाइड कर ऊपर से नीचे कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। दीदी आज कर रही है चेयर कार में ट्रैवल, इसके अलावा इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास भी है। चेयर कार के अंदर घुसते ही मुझे बस का फील आया क्योंकि एक साइड में है 3 सीट और दूसरी साइड में है 2 सीट। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी, आपको एक बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ट्रेन के डोर में सेंसर की फैसिलिटीज है जिससे ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और मेरी दीदी की खुशी आप देख सकते हो, वो जा रही है वापस। लेकिन वंदे भारत का पहला एक्सपीरियंस उसका कैसा रहेगा ये तो वही जानती है। मैं करूँगी बहुत ही जल्दी वंदे भारत में ट्रैवल और आपको सारी चीज़ें बताऊँगी अंदर की जो अभी मुझसे मिस हो गई हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कवर करने की इसमें। दीदी के खुशी का ठिकाना आप देख सकते हो किस तरीके से। वापस जब मैं घर आई उसके बाद इसे कॉल किया और एक्सपीरियंस पूछा तो काफ़ी अच्छा इसे लगा और सारी चीज़ें इसने मेरे साथ शेयर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं था इसीलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स दीदी से मंगवा के इसमें ऐड की हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन दी भी ऐसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आगे आने वाले सारे व्लॉग्स को इन्जॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।